सो गाइस आज मैं बात करने वाला हूँ दीपक कलाल का दूसरा भाई केआर के दलाल के बारे में, क्योंकि यार बहुत कुछ बहुत बुरा बहुत गलत सही बोल रहा है आजकल केआर के, बहुत फोक रहा है। उसी को हम आज यहाँ पर पोक करने वाले, उसको सच्चाई दिखाने वाले। फिलहाल देखो रात को 12 बज रहे हैं, हम लोग यहाँ पर मेट्रो स्टेशन पर आकर वीडियो शूट कर रहे हैं केआर को भाई प्रॉपर बजाने वाले आज, ठीक है गाइस। और यहाँ पर देखो और भी वीडियो शूट होने वाली है, क्या बोलते पब्लिक, एमी बंडा एक न्यू सॉन्ग आ रहा है उसका रिएक्शन यहाँ पर शूट होगा आउटडोर, क्योंकि रात को अलग मज़ा आता है भाई। देखो केआर के पता क्या बोल रहे हैं, केआर के ऐसा बोल रहा है कि जो पठान के मेकर्स है, पठान के मेकर्स है वो सारे यूट्यूबरों को मतलब पैसा खिला रहा था कि अच्छा रिव्यू दे भाई। और पता गाइस और क्या पता क्या बोला, और ऐसा बोला है कि वो मुझे भी मतलब 2 लाख रुपया दे रहे थे और मैंने उसको 1 करोड़ रुपया मांगा इसीलिए मैंने उसको ना कर दिया। सबसे पहली बात अबे मतलब सुन ले भाई, मैं तेरे को क्या बोलूँ भाई केआर के, तूने सबसे पहले तूने एक्सेप्ट कर लिया कि तूने 1 करोड़ रुपया मांगा। अगर उसने 1 करोड़ रुपया तेरे को दिया होता पठान के मेकर्स तो तू बिक जाता, इसका मतलब तू बिकाऊ है, तू दलाल है, मतलब तू अपने आप को खुद साबित कर लिया। देखो यार ये जितने भी न्यूज़ आ रही है जो ये जो केआर के मतलब भाई केआर के ऐसा चूतिया आदमी ना, मेरे को क्या होता है इसको मतलब KGF पसंद नहीं आती है, इसको अवतार पसंद नहीं आती है, इसको पुष्पा पसंद नहीं आती है, ये वही इंसान है, वही चूतिया है जिसको भाई यहाँ RRR भी पसंद नहीं आती, ये वही है। पता है इसको कौन सा मूवी पसंद आता है, इसको दो आप जो पैसे 2 लाख रुपया दोगे वो मूवी इसको पसंद आ जाएगी। और ये बोलता है कि मैं इंडिया का सबसे बड़ा क्रिटिक हूँ, भाई तू क्या घंटा किस बात क्रिटिक है भाई, मतलब तू कुछ भी बिना इन्फॉर्मेशन कुछ भी बोलने लग जाता है भाई। जितने भी भाई केआर के मतलब भाई दलाल फैंस है भाई, वो वीडियो को देख के बुरा मत मानना क्योंकि इसका यही सच्चाई है। मतलब इस बंदे को ना कोई भी मूवी पसंद नहीं आती है, इसको जो पैसा खिला दो वही मूवी इसको पसंद आती है, ये सच्चाई है, ये कड़वा सच है। क्योंकि इस ऐसा बंदा इसको जेम्स कैमरन की मूवी पसंद नहीं आई थी, देख लो अवतार के बारे में क्या क्या बुरा है, बोला कार्टून मूवी है बच्चों के लिए बनाया है, मतलब बताओ। इसको जब यहाँ पर KGF पसंद नहीं है, इसको अवतार पसंद नहीं आई तो इसको पठान क्या पसंद आएगी, इसको सिर्फ भ्रष्टाचार पर जो मूवी बनते हैं वही पसंद आता है। उल्टा सीधा बहुत बोलता रहता है केआर के। और अबे केआर के सुन ले भाई, तेरे को बोल रहा हूँ अगर तू भी अगर एक्चुअल में असली रिव्यूअर है तो भाई थोड़ा ध्यान से वीडियो बनाया कर यार। और भाई पता नहीं वीडियो देखने के बाद केआर के अगर वीडियो देख रहा होगा तो पता नहीं वीडियो स्ट्राइक लगाएगा कुछ भी, भाई कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई, जो करना है कर ले भाई। आप लोग सपोर्ट करो, जितने भी मेरे फैंस हैं, जितने भी पठान के या शाहरुख खान के एंड एनीवेज जो भी सच्चाई के जो सच सुनना चाहते हो उस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं यहाँ पर झूठ नहीं हमेशा सच बोलता हूँ। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। देखो रात को हम लोग यहाँ पर आए हैं शूट करने के लिए आप सबके लिए, एंड आप लोग मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। और पठान की एडवांस बुकिंग चालू हो चुकी है एंड बहुत सारे 5 लाख से ज़्यादा टिकट्स ऑलरेडी सोल्ड हो चुकी है। फर्स्ट डे फर्स्ट रिव्यू आपका इस चैनल पर मिल जाएगा फिल्मी अड्डा पे। मेक श्योर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, गुड नाइट सभी को।